हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखने वाले हैं कल के दिन फिफ्थ ऑफ जून को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहेंगे अब इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं यार तो बहुत से शेयर में आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल ऊपर नीचे देखने को मिला हुआ लेकिन रिलायंस एशियन पेंट ऐसा शेयर है आज के दिन जीरो पॉइंट थ्री परसेंट के ऊपर आगे क्लोज किया है तो बहुत ही अच्छी बात है इस शेयर के लिए क्योंकि जिस तरीके से बहुत से शेयर ऊपर नीचे गिर रहे हैं टेक्निकली देखना जाए तो ये अगर ये बहुत ही अपने लो के बहुत ही पास था अगर इसको ब्रेक किया होता तो हम लोगों को आज के दिन ये सारे लेवल्स देखने को मिल गए होते लेकिन इसने अब बहुत ही सही और अपने आपको यहाँ पे हैंडल किया है मतलब जो भी हुआ हो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं हुआ होगा इसीलिए यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा फॉल करके यहाँ पे वेट एंड वॉच कर रहा है ये भी पॉइंट था सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस कंपनी को बहुत ज्यादा यहाँ पे ऊपर नीचे होने की मतलब बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा यहाँ पे ये भी बात हो सकती है इसीलिए यहाँ पे ठीक है यहाँ बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला अभी हमारी आगे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए देखिए आगे की कुछ भी प्लानिंग हो मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा और नीचे की ओर गिरता है तो ये शेयर भी इन लेवल्स के आसपास आ सकता है या फिर यहां पे वेट ट्रेंड वॉच कर सकता है जब मार्केट मतलब मार्केट जब इंडेक्स गिरते हैं तो बहुत से शेयर क्या करते हैं उसके साथ फॉल होते हैं और बहुत से शेयर क्या करते हैं अपने आप को रोकते हैं तो जब भी मार्केट जब यहाँ से रिवर्स होता है जब भी इंडेक्सेस से रिवर्स होते हैं तो जो रुके हुए शेयर होते हैं वो तो सबसे पहले ऊपर क्यों निकलने की कोशिश करते हैं और वो तेजी से ऊपर क्यों निकल जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हॉल्ट कर रहे थे बायर्स उस प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहे थे ठीक है तो जब मार्केट रिवर्स होता है तो उसके साथ बहुत से शेयर ऊपर जाते हैं उनमें से ये शेयर होते हैं मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ एशियन पेंट की सारे शेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो तेजी से ऊपर जाते हैं, राइट तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अपने आप को होल्ड करके रखा है और जब मार्केट रिवर्स होगा तो ये पहला शेयर होगा जिसको ज्यादा यहां पे गेन मिलेगा उस चीज से और ये यहां से ऊपर की ओर निकलेगा अब अब अगला स्टेप क्या अगला स्टेप ये है कि यहाँ पे हमारे पास नीचे एक सपोर्ट है ट्वेंटी लगभग लगभग ट्वेंटी सेवन हंड्रेड के आसपास तो इस सपोर्ट को हम लोग को फॉलो करना है ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन पे इसको आके हिट करने देंगे हिट करके जब ब्रेकआउट देगा तो हम लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और नीचे से इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट तो है ही है ये वाला चैनल पैटर्न तो है ही है ठीक है इस चैनल पैटर्न के अंदर ये एक दूसरा चैनल पैटर्न चल रहा है तो इस दूसरे चैनल पैटर्न में ये नीचे का जो है ठीक है नीचे इसने टच कर दिया ऑलरेडी आप देख रहे होंगे नीचे इसने ऑलरेडी टच कर दिया है तो इसका ऐसा लगा के कि अगर किसी को प्लानिंग करनी हो तो कर सकता है और यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी लेके जा सकता है देखिए फाइनल डिसीजन तो हमेशा आपका ही होने वाला है आपको अपनी एनालिसिस के बाद लेना है ठीक है लेकिन यहाँ पे जो है अगर ये मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पे पोजीशन लगा लेना हो तो मैं इन्हीं लेवल्स के आसोज पोजीशन लूँगा अगर तो एसल यहाँ का लगाऊंगा ठीक है लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि ऊपर की ओर थ्री थाउजेंड का लेवल एक बार निकलने देंगे थोड़ा सा डायरेक्शन क्लियर होने देंगे एंड उसके बाद अगर हम लोग पोजीशन बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा और लास्ट लेटेस्ट स्विंग का हम लोग क्या कर सकते हैं एसल लगा के वेट एंड वॉच कर सकते हैं कल की बात करें तो कल की बात के लिए हम लोग चार्ट को यहाँ पे ले लेते हैं और फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिफ्टीन मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन लेवल से रिवर्सल आया अच्छा रिवर्सल आया पता चला आपको जो डेली टाइम फ्रेम पे सिचुएशन है न, वैसी सिचुएशन यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी के लिए फिलहाल नजर आ रहा है और ट्वेंटी नाइन हंड्रेड का नजर आ रहा है तो अगर कल के दिन ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ये शेयर निकालता है तो ये ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी तक का मोमेंटम करेगा अगेन अभी ये बीस रुपये का है क्यों क्योंकि अभी बहुत नीचे है बहुत नीचे से ऊपर आना है तो इन टारगेट्स के आते आते यहाँ पे थोड़ा सा सचुएशन आ जाएगा इसलिए ट्वेंटी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी नीचे की ओर देखेंगे तो

प्रॉबिलिटी वाला केस होगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री जहाँ से एक बाउंस बैक मिलना चाहिए देखना पड़ेगा अगर इतना ऊपर से डायरेक्टली नीचे गिर रहा है तो यहाँ से बाउंस बैक मिलने की प्रॉबिलिटी हायर है लेकिन अगर यहाँ पे आने के बाद अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके गिर रहा है तो यहाँ से प्रॉबिलिटी ऊपर जाने की बाउंस बैक मिलने की बहुत कम हो जाएगी एंड ऐसे सिचुएशन में हम लोग को जो लेवल कंसिडर करना पड़ेगा वो होगा ट्वेंटी के आसपास का ठीक है तो ये लेवल भी हम लोग मान के चलेंगे आने वाले समय में ऊपर या नीचे क्योंकि जिस लेवल पे आसपास ये ट्रेड कर रहा है उस लेवल पे कुछ भी हो सकता है इसलिए हम लोग ये दोनों लेवल्स देख के चलेंगे वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं चैनल पर नंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो